हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है मेरे मायके से एंट्री, पौड़ियाँ सीधे ऊपर को, और ये आंगन, आंगन में है फूल। और देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं। और ये ना बीच में सरिया और बजरी रखे हैं, क्योंकि आगे से अभी इन्होंने दो रूम और जोड़े हैं इसमें। ये हमारा पहले वाला मेरे ज़माने का मतलब घर। ये है नीचे वाला रूम, ये तो बंद ही रहता है। ये है नारंगी का पेड़। और देखिए सामने यहाँ पे ना जंगल ही जंगल है। देखिए ये वाला है भाभी का रूम, और आगे है गेस्ट रूम। फिर ये वाले इसमें अभी नए जोड़े हैं, अब नहीं थे पहले, नहीं थे, अभी मतलब बना रहे हैं, अभी फिनिशिंग नहीं हुई इसकी, तभी तो इसमें इतना कूड़ा कबाड़ भरा है। देखिए कितना कुछ है भरा हुआ, आगे वाले में भी है, बहुत कुछ है। देखिए लकड़ी कुछ कुछ रहता है, मतलब घर का ना कोई भी सामान हो, कितना भी सामान हो, और रूम कितने भी हो, फुल ही रहते हैं सब चीज़। और देखिए सामने हमारे आ रहा है प्यारे से पप्पी का रूम। यहाँ होता हमारा पप्पी सोया हुआ, हमारा टॉमी। और यहाँ से ऊपर को एंट्री होती है, ये है थोड़ी सी पौड़ियाँ, पांच सात पौड़ियाँ हैं, और ये है ऊपर वाली एंट्री। ऊपर भी ऊपर लेंटर के ऊपर ये टाइल्स लेंटर के ऊपर है, जो नीचे वाला गेस्ट रूम है उसके ऊपर ऊपर में है ये टाइल्स। तो सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने रहता है मतलब एक आंगन सा, छोटा सा आंगन है, जहाँ पे छोटा मोटा काम, जैसे कोई बर्तन मांजने वाला, या कोई जैसे हमाम होता है हमारे, ये हम बाहर पानी कर गर्म करते हैं। तो ये मेरे भतीजा और भतीजी जो हेलो बोल रहे थे आपको, ये है किचन। और किचन में मैं और मेरा बेटा सबसे पहले, और फिर देखिए ये पापा खा रहे हैं खाना, और मम्मी बना रहे हैं, और साथ में मेरी भतीजी बैठी है। और ये है गैलरी, देखिए जूतों से ना बुले हाल हैं, सब सब आए हैं। तो फिर ये है इनका स्टोर रूम, और फिर ये गैलरी रहती है इधर को, और जाती है यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम। और सामने फिर से जंगल है, बहुत सारा जंगल, और पीछे को ना सेब का बगीचा है। और यहाँ से वापस आते हुए फिर बजता है ये वाला घर, मतलब दूसरे वाले रूम ऊपरली साइड के। ये हमारा बैठक रहता है, सबके होता है, मतलब गांव में सबके घरों में, हिमाचल में सबके मिलेगा। ये पापा का रूम, और ये ऐसे रूम है मतलब किसी का नहीं है। और आगे वाला एक रूम है, इसमें मम्मी का टीवी लगा रहता है, मम्मी मम्मी वगैरह ऐसे दिन को इसमें टीवी वगैरह देखते हैं। तो देखिए शीशा कितना सुंदर बनाया है ना, मेरे को नहीं आते बनाने, पर मम्मी को किसी ने बना के दिया है। ये बाहर से बंद है, मतलब इसमें पहले मतलब ऐसे फैशन था कि बाहर से इसमें खिड़कियां लगानी है शीशे ऐसे करके, तो तब इसमें बंद ही है आगे से। और ये गेट लेंटर के ऊपर एंट्री। आगे देखिए, आगे हमारा पप्पी सोया हुआ, बहुत प्यारा है, इतना खेलने के लिए दौड़ता है ना जब दिखते हैं। तो तभी आज इसको ना बांधा है, वैसे इसको नहीं बांधा होता है, आज इसको बांधा है क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे, कहीं खेल खेल में कहीं का कट लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा है। देखिए ये हमारे पापा वगैरह का सारा बगीचा है, इतना इतना इधर को है, और एक साइड को ये है, लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड दूसरी साइड को भी है, घर के दूसरी साइड को भी है, बीच में घर है। ये देखिए ये है घर, और आंगन भी नीचे दिख रही है, बहुत सुंदर है। ये ना पूरा ब्लॉग में स्पेशली ये लाई हूँ, हेलो हेलो देखिए कितना ना क्यूट सा है, खेलने को ना देखो कैसे कैसे करता है खेलने के लिए। मौसम देखो, इधर उधर धुंध ही धुंध, आजकल पता नहीं क्यों पहाड़ों में इतनी धुंध रहती है,
और नीचे गोदाम जैसे सेब वगैरह भरते हैं ना रोड में, यहीं पे भरते हैं सेब, और आगे जाके का वो शेड है यहीं पे। ये है मेरी भतीजी। इसे देखिए, ये सारे इनके तो बिल्कुल सेव नहीं है, बस कहीं कहीं है, एक दो टहनी में मिलेंगे कहीं पेड़ में, दो चार करके सेव हैं, बाकी सेव नहीं है। तो ये रहता है पानी का ड्रम, यहाँ पे साथ में हमाम है, और आगे ये बीन्स है, बीन्स और खीरा है, और साथ में है ये बैंगन के पेड़ हैं, अभी थोड़ी थोड़ी करके सब्जी लगी है इसमें। और देखिए इस तरह का, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो नया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे।